टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने निर्देशित किया है तमाम अफसरों को निर्देशित किया है भोजनावकाश में आधे घंटे से ज्यादा का वक्त ना दिया जाए। लंच टाइम में आपको बता दें कि कई कर्मचारी घंटों गायब रहते हैं, 2 से 3 घंटे गायब रहते हैं, जिसके बाद सीएम ने अब सख्ती दिखाई है। सरकारी कार्यालयों में लंच टाइमिंग पर बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिया है और कहा है कि आधे घंटे से ज्यादा भोजनावकाश वो ना लें और ऐसी कोई भी संस्था जो टेंडर में नहीं है वो इसमें हिस्सा ना ले। मुख्यमंत्री कार्यालय की और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, लगातार हमने देखा कि कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जो 3-3, 4-4 घंटा जो लंच ब्रेक है वो लेते हैं, उसके बाद सीएम योगी अब नाराज हैं और उनका कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और आधे घंटे से ज्यादा उनको वक्त नहीं मिलेगा। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के सरकार के कार्यालयों में बहुत बड़ी समस्या है जी, और उससे भी बड़ी समस्या ये सचिवालय की है जी। यूपी के सचिवालय में 1:30 बजे के बाद से लंच का टाइम शुरू हो जाता है और ये 4 बजे तक चलता है। 2 से 2.5 घंटे तक कर्मचारी अधिकारी ये लोग लंच करते हैं, जिसके चलते सरकार का कामकाज बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है जी। खास तौर से तब जब पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर अपना काम कराने के लिए आते हैं और अधिकारी ही दिन में कार्यालय में नहीं बैठते, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर इस बात का संज्ञान लिया है तो इससे कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आएगा। अब सरकार को इसके लिए कई बार सरकारों ने छापा मारा, मंत्रियों ने चेकिंग की, लेकिन ये रवैया सुधरा नहीं और बहुत कोशिश के बाद भी फिर आज एक ये नया फरमान आया है। तो अब इस पर कितनी निगरानी होगी, चीफ सेक्रेटरी से लेके मुख्यमंत्री कार्यालय तक को लगातार इसमें निगरानी करनी पड़ती है, तब जाकर कर्मचारी मानते हैं। अब समस्या इस बात की है कि सचिवालयों में तो कई बार रात तक भी काम करना पड़ता है, उसका बहाना लेकर कर्मचारी इस तरह की चीजों को जायज ठहराते हैं जी। लंच संस्कृति उत्तर प्रदेश के सचिवालय में बहुत खराब है और अधिकारी और कर्मचारी लंच के बहाने खाना खाकर घर जाकर सोते हैं, घूमते हैं इधर उधर, जिससे कि सचिवालय में कामकाज प्रभावित होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी कि अब मनमानी नहीं होगी और ऐसे लोगों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल रुकेंगे।